Hello everyone, welcome to my online prep. This is the part 3 of our previous year paper question discussion series for the paper 4 of JAIIB exam, that is the retail banking and wealth management. So in this series we are discussing questions that have been asked in the May 2023 session, and we have compiled 100 such questions that are following the latest pattern. तो जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी उसमें से हम लोग ने अलग अलग शिफ्ट से क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। अब PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन तैयार करते हो और आपको पता होता है कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप उसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको पता चलनी चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो दिस सीरीज विल बी डिस्कसिंग 100 क्वेश्चंस। Now the part 1 and part 2 have already been uploaded on the YouTube channel of My Online Prep. So, wo videos bhi dekhe. Now we are left with 50 more questions and in this part we'll be discussing the next 25 questions. So, now let us start with the first question of today's session. So, the first question of today's session and the 51st out of our 100 question series is that can an overdraft facility be given to a minor? सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये माइनर को देना बैंक्स अलाउ करते हैं कि नहीं। तो ये एक मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वी आर गिवन फोर स्टेटमेंट्स, वी नीड टू सी विच स्टेटमेंट्स आर राइट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सो द गिवन स्टेटमेंट्स आर येस विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन और पेरेंट, नो एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट अलाउड फॉर माइनर्स, येस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और येस विद द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो एक्चुअली पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता क्या है, लेट्स से आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, यू हैव जीरो बैलेंस बट स्टिल बैंक्स अलाउ यू टू विदड्रॉ सर्टेन अमाउंट, सो इसको क्या कहते हैं, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। एंड इन इंडिया बैंक्स दे डू नॉट अलाउ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर माइनर्स, सो द राइट आंसर इज बी दैट इज ओनली टू। RBI ये अलाउ नहीं करता है कि माइनर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाए, चाहे वो कंसेंट हो गार्डियन या पेरेंट का, पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज ओनली टू। मूविंग ऑन, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रेफर टू। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। अगेन वी हैव सर्टेन स्टेटमेंट्स, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट एम्फसाइजेस सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी, वेयर एम्प्लॉयज हैव इक्वल लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, where the focus is on vertical integration and control, or it is based on the division of labor and specialized roles. So, inme se jo horizontal structure ke liye statement sahi hai, it is only the second statement. So, the right answer is option A, that is, employees have equal levels of authority and responsibility. Yahan pe centralized decision making nahi hota, vertical integration nahi hota, and it does not focus on the division of labor and specialized roles, rather इक्वल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयज के पास भी। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में फोकस किसके ऊपर होता है, ये किस पे प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन बिटवीन द डिफरेंट एम्प्लॉयज, देन देयर इज टीम वर्क एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज अ फ्लैट हायरार्की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की एग्जिस्ट कर रही है इट इज ऑफ अ फ्लैट नेचर। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के लिए स्टेटमेंट क्या सही है, इट इज ओनली टू, सो ए इज द राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर रेफर टू। तो अभी हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर की। सो गिवन ऑप्शंस आर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट एम्फसाइजेस सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी, वेयर द एम्प्लॉयज हैव इक्वल लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, the structure that focuses on vertical integration and control, or it is based on the division of labor and specialized roles. So vertical structure ka main point kya hota hai, it is that it focuses on the vertical integration and control within the organization. So the right answer is option C. Ab iske alawa jo vertical structure hota hai isme there is clear line of authority, how the authority will work, it has a clear line, then यहाँ पे जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होती हैं ये भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होती है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एज टू हु इज गोइंग टू आंसर टू होम, किस पे इसका अकाउंटेबिलिटी आने वाला है, तो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है। और यहाँ पे जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इट हैज डिफरेंट लेवल्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय
different levels of management and department. So this is the vertical structure that focuses on vertical integration and control. So the right answer is option C. Next question dekhte hain. The next question is, what are strategic business units? So yahan pe pucha ja raha hai SBUs, inki main characteristic kya hai? Given statements are independent business entities with a larger organization, business divisions that focus on the cost cutting measures, small scale enterprises with limited resources, or non-profit organizations that are operating under the government control. So strategic business units, ek to inka jo main characteristic hota hai, they are larger organization. To fir ye small scale enterprises nahi ho sakte hain. Dusra, ye government control ke andar nahi hote hain. These are independent business entities. So the right answer is A, that is only one. Independent business entities with a larger organization. Only the first statement is right. Ye cost cutting measures pe focus nahi karte hain. Yahan pe jo organization hota hai, it is larger, it has more resources. And also yahan pe business divisions that have a larger organizations, even business divisions bhi ye SBOs ki tarah act kar sakte hain. They are responsible for their own strategic planning. Ye khud ki strategic planning karte hain, government pe ya kisi aur control pe dependent nahi hote. Also decision making mein bhi ye independent hi hote hain. So the right answer is A, that is only first statement is right according to the strategic business units. Next. The next question is, if a direct selling agent, that is a DSA, uses a customer's check for withdrawal, who is liable to pay the customer? So yahan pe agar DSA customer ka check use kar raha hai kisi bhi withdrawal ke liye, to customer ko pay karne ke liye kaun liable hota hai? Given options are the customer, the bank, the DSA or the check issuer. So yahan pe the right answer is only three. Matlab agar DSA kar raha hai to wo responsible hoga, not just for the payment to the customer but also any kind of financial loss or damage. Iske liye bhi jo direct selling agent hota hai wahi liable hota hai. So the right answer is C, that is only three. Next question. The question says, what is the need of a सिबिल स्कोर? तो सिबिल स्कोर यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज बाय द लेंडर्स, द बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो सिबिल स्कोर को यूज क्यों करते हैं? गिवन ऑप्शंस आर ए, टू असेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी, बी टू डिटरमाइन द इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी, टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और डी टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर अ गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम. तो सिबिल स्कोर क्यों यूज किया जाता है? इट इज टू असेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी. तो ये लेंडर्स यूज करते हैं, दे इवैल्यूएट द लाइक्लीहुड ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स, दैट इज द टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन एज वेल एज द क्रेडिट ऑब्लिगेशंस. तो जिस भी इंडिविजुअल या फिर एंटिटी की बात हो रही है तो उसमें सिबिल स्कोर का इवैल्यूएशन किया जाता है ताकि क्रेडिट वर्थीनेस पता चल सके. कैसे? वो टाइमली रीपेमेंट देखते कि पास में उन्होंने टाइमली रीपेमेंट किया है कि नहीं, या फिर क्या क्या क्रेडिट ऑब्लिगेशन है जो उनके ऊपर पेंडिंग है. ये सारी चीजों का इवैल्यूएशन किया जाता है टू असेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये इसका सही आंसर है. आगे देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी? तो सीआईसी में इसमें दिए गए हैं कि कौन सा सीआईसी नहीं है. Given statements are TransUnion CIBIL, Experian, Equifax or SEBI. SEBI, that is the Securities and Exchange Board of India. तो इसमें से credit information company कौन है? पहले तो credit information companies या CIC का function क्या होता है? They collect, maintain and record data that can be used by the lenders. Lenders use कर सकते हैं to know the क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज. तो सीआईसी इसमें से कौन नहीं है? द राइट आंसर इज डी, दैट इज ओनली फोर. सेबी इज नॉट अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सेबी इज अ रेगुलेटर. ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट एंड द एक्सचेंज मार्केट. सो बाकी ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स, ये तीनों ही सीआईसी है बट सेबी सीआईसी नहीं है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. मूविंग ऑन,
The question says SMA1, that is the special mention account 1 refers to. So SMA1 kya hai? Given options are an account with a high credit score and low risk of default, जिसमें risk का default कम होता है और high credit score होता है. An account with low credit score and high risk of default, an account that shows signs of incipient stress and requires close monitoring, or an account that is classified as a non-performing and requires immediate action for recovery. तो ये non-performing assets के अंदर आता है. तो कौन से account जो SMA 1 में आते हैं? These are the account that shows signs of incipient stress and requires close monitoring. ये अब तक non-performing asset में नहीं आया, पर इसमें stress के कुछ signs हैं. और अगर क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी, रेगुलेट किया जाएगा, तो फिर उस अकाउंट को वापस से सेफ अकाउंट में डाला जा सकता है. नाउ ये जो क्लोज मॉनिटरिंग है, इट रिक्वायर्स दैट द लेंडर बी अवेयर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डिटोरिएशन. जो क्रेडिट क्वालिटी है उसको और आगे डिटोरिएट होने से प्रिवेंट करने के लिए जो लेंडर्स है ये मॉनिटरिंग करते हैं. सो रेगुलर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 1. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. ये सारे ही क्वेश्चंस जो है ये मई 2023 सेशंस में आ चुके हैं या फिर उससे रिलेटेड है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी दीज क्वेश्चंस. इससे आपको पैटर्न और स्ट्रेटेजी दोनों का आइडिया लग जाएगा. चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मच इज द ट्रांजैक्शन लिमिट दैट इज इम्पोज बाय यूपीआई. सो यूपीआई दैट इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? गिवन ऑप्शंस आर ए रुपीज 1 लाख, बी रुपीज 5 लाख, सी रुपीज 10 लाख और डी देर इज नो ट्रांजेक्शन लिमिट. तो ट्रांजेक्शन लिमिट का मतलब क्या है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन वन ट्रांजेक्शन. ऐसा नहीं है कि एक यूपीआई आईडी से केवल इतना ही ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में सिंगल ट्रांजेक्शन का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो होता है ट्रांजेक्शन लिमिट. एंड यूपीआई हैज सेट इट एट रुपीज 1 लाख. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ये ट्रांजैक्शन लिमिट है, इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू नहीं कर सकते. सो दिस इज द ट्रांजैक्शन लिमिट दैट इज इम्पोज्ड बाय यूपीआई. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 लाख. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टिपिकल लोन रेंज फॉर एजुकेशन लोन्स विदाउट मॉर्टगेज. तो यहाँ पे पूछा किसके क्या है, पर्टिकुलरली एजुकेशन लोन्स जिनको विदाउट मॉर्टगेज लिया जाता है उसका टिपिकल लोन रेंज क्या है? Given options are rupees 20 lakhs to rupees 30 lakhs, B 10 lakhs to 15 lakhs, C 5 lakhs to 10 lakhs or D rupees 2 lakhs to 5 lakhs. So ये बात किसे कर रहे हैं? Typically. So normally जो range है it is between 5 lakhs to rupees 10 lakhs, that is C. तो 5 lakhs से 10 lakhs के बीच में without mortgage education loan ये दिया जा सकता है. लेकिन इसमें भी कुछ conditions that is important to remember that the loan limits में vary. They may vary among the lenders and are influenced by factors. कौन कौन से factors हैं? What is the nature of the applicant? उसके अलावा उसका credit worthiness क्या? अगर credit worthiness ज़्यादा है तो फिर banks consider कर सकते हैं ज़्यादा loan amount के लिए. Then उसके अलावा जो course है that has been selected plus the institution and so on. So ये कुछ factors हैं जो कि consider किए जा सकते हैं in which exceptions are provided by the lenders. और ये एडवाइजेबल होता है कि जो भी डिफरेंट लेंडर्स है उससे हम लोग चेक कर सके ताकि हमें अक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, कंप्लीट सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दैट द लोन्स लिमिट, व्हाट आर द लोन लिमिट्स दैट आर सेट बाय द लेंडर्स फॉर द एजुकेशन लोन्स विदाउट अ मॉर्टगेज. तो हम लोग को कंपेयर करना जरूरी होता है. बट हियर टिपिकली द लोन रेंज इज सेट एट रुपीज 5 लाख टू 10 लाख. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट. तो ये पूछ रहे रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है. तो हम लोग को जब रिटेल लाइबिलिटी रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो देर आर सर्टेन एसेट्स एंड देर आर लाइबिलिटीज. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर रिटेल बैंकिंग. तो असेट्स के अंदर क्या आता है? लोन्स एंड एडवांसेस. लाइबिलिटी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर ओपन. अदर्स में जो सर्विसेज है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमको पास ऑप्शन क्या है? ए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बी ट्रेजरी बिल्स, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और डी कमर्शियल पेपर. तो हमने अभी देखा कि रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट में क्या आता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट.
एक तो हम लोग के पास कासा डिपॉजिट्स होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है। उस पर्टिकुलर टर्म पीरियड के लिए लोग क्या करते हैं, वो अपने इनकम का कुछ कुछ पार्ट सेव करते रहते हैं, एंड इट इज एट प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट्स, एट प्री डिटरमाइंड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे वो अपना सम ऑफ मनी जमा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू द कासा डिपॉजिट्स। सो द राइट आंसर हेयर इज सी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पूछा गया कि मार्केटिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेस आते हैं। गिवन स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइंग एंड सैटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड्स प्रॉफिटेबली, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ थ्रू कॉस्ट कटिंग मेजर्स, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग ऑल बिजनेस ऑपरेशंस, और कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स। सो अगर हम लोग ये स्टेटमेंट्स केयरफुली पढ़ते हैं, सो वी कैन डायरेक्टली अराइव एट द आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन। मार्केटिंग के अंदर जो कस्टमर नीड्स होती है, कस्टमर वॉन्ट्स होता है, थ्रू वेरियस प्रोसेसेस उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड देन स्ट्रैटेजीज क्रिएट की जाती हैं कि कैसे उनको प्रॉफिटेबली अचीव किया जा सके या फिर उन नीड्स को फुलफिल किया जा सके। अब क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें स्ट्रैटेजीज है जो कि यूज की जाती है ताकि कस्टमर्स की नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग प्रोसेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट द CRM, दैट इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पूछा गया है CRM इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट फोकसेस ऑन। सो CRM में जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, गिवन ऑप्शंस आर मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर्स, और स्ट्रीमलाइनिंग द ऑपरेशनल प्रोसेसेस टू रिड्यूस कॉस्ट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये इसके टर्म्स ही समझ में आ रहा है, दैट इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, दैट इज जो कस्टमर्स हैं वो बैंक के साथ उनको रिटेन किया जा सके, सो दैट दे रिमेन लॉयल। अगर उनको कोई और नीड हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की तो वो उसी सेम बैंक को अप्रोच करें। दिस इज रेफर्ड टू एज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज की जा सकती है, इट कैन बी बाय एनहांसिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फाइड कब होगा, जब उसको जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस चाहिए हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसी से मैच्ड हो। उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स मैक्सिमाइजिंग द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एज वेल, तभी हम लोग एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंप्लॉय कर पाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनऑथराइज्ड ईबीटी रेफर्स टू। सो पूछा गया है कि अनऑथराइज्ड ईबीटी होता क्या है। गिवन स्टेटमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स ट्रांसफर विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर फॉर ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, एम्प्लॉई बेनिफिट ट्रस्ट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और एक्सटर्नल बैंक ट्रांसफर फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो इनमें सारी स्टेटमेंट्स में ईबीटी के अलग अलग फुल फॉर्म दिए हैं। अगर हमें ईबीटी का राइट फुल फॉर्म पता है तो हम इसको इजिली आंसर कर सकते हैं। सो ईबीटी स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स ट्रांसफर विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ईबीटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स ट्रांसफर, और इसको किया कैसे जाता है, इट इज डन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए। बाकी सारे ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अब यहाँ पे ईबीटी यूज कौन करता है, इट इज यूज बाय द गवर्नमेंट। इट इज अ सिस्टम यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ वेरियस बेनिफिट्स। बहुत सारे जो एलिजिबल रेसिपेंट्स होते हैं उनको बेनिफिट्स ट्रांसफर करने के लिए ईबीटी यूज किया जाता है, दैट इज अनऑथराइज्ड। जैसे कि इसमें क्या आ सकता है, इट कैन इन्वॉल्व वेरियस वेलफेयर पेमेंट्स और फूड स्टैम्प्स एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट यूज करते हैं अनऑथराइज्ड ईबीटी फॉर ट्रांसफर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली वन। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व किया जाता है। केयरफुली देखना होगा क्या स्टेटमेंट्स दिए, हमको इजिली उसमें से आंसर मिल सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन म्यूचुअल फंड्स
विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ बैंक. यहाँ भी पूछा गया है नॉट एप्लीकेबल. सो क्वेश्चन को भी बहुत केयरफुली रीड करना जरूरी है. अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते आ सकते हैं, हो सकता है हम वो चार्जेस कर दें जो एप्लीकेबल होते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. तो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं. गिवन स्टेटमेंट्स आर एक्सपेंस रेशियो, फ्रंट एंड लोड, रिडेम्पशन फ्री और असेट मैनेजमेंट फ्री. एक्सपेंस रेशियो ये बैंक में आता है, रिडेम्पशन फी भी आता है, एसेट मैनेजमेंट फी भी आता है, लेकिन फ्रंट एंड लोड ये इसमें नहीं आता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली टू. फ्रंट एंड लोड इज नॉट रिलेटेड टू द चार्जेस दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ बैंक. ये होता क्या है, इसको एक और टर्म से जाना जाता है, दिस इज नोन एज द सेल्स चार्ज. ये फी होती है, इट इज चार्ज टू द इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द म्यूचुअल फंड यूनिट्स. तो ये इन्वेस्टर्स पे चार्ज किया जाता है और ये टिपिकली बैंक्स पे नहीं अप्लाई होता है बिकॉज इट इज अप्लाइड व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स. मतलब ये बैंक्स जब इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पे तभी अप्लाई नहीं होता है. सो द राइट आंसर इज फ्रंट एंड लोड, दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, whether a bond that pays a fixed interest rate to the investors, a bond that can be converted into shares of the issuing company's common stock, a bond issued by the government to fund the infrastructure projects, or a bond that offers tax-free income to investors. तो इस term में, इस concept में नाम से पता चल रहा है convertible. मतलब कि it is a type of bond that can be converted, किधर? It can be converted into the shares of the issuing company's common stock. So the right answer is only two, that is option B. अब अगर कोई जो बॉन्ड होल्डर होता है वो चाहे तो अपने जो भी वो कन्वर्टेबल बॉन्ड रख रहा है वो उसको उस इशुइंग कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है. सो दिस इज नोन एज द कन्वर्टेबल बॉन्ड. सो इट इज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द बॉन्ड होल्डर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज अ डिमांड डिपॉजिट. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. स्टेटमेंट्स, अ डिपॉजिट दैट इज हेल्ड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, अ डिपॉजिट दैट कैन बी विदड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर एट एनी टाइम विदाउट नोटिस, अ डिपॉजिट दैट अर्न्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन अदर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, और इट रिक्वायर्स अ मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन. तो डिमांड डिपॉजिट पहला क्या बोल रहा है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. तो ये तो फिक्स डिपॉजिट या फिर जिसको टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं. देन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है डिमांड डिपॉजिट में, हाईएस्ट किस में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में. एंड मिनिमम बैलेंस इसमें रखना जरूरी नहीं होता है. सो द ओनली राइट स्टेटमेंट इज सेकेंड, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ये इसको क्या कहते हैं, इसको मिनिमम जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं ये करंट अकाउंट भी कहलाते हैं और इट इज ऑल्सो नोन एज द चेकिंग अकाउंट. तो करंट अकाउंट और चेकिंग अकाउंट, इसमें जो भी अकाउंट होल्डर है वो किसी भी टाइम पे विदड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस. मतलब बैंक को नोटिस दिए बिना वो अपना अकाउंट में से अपने जो भी डिपॉजिट है उसको विदड्रॉ कर सकता है. सो दिस इज द डिमांड डिपॉजिट. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओनली टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज ट्रेड्स, टी आर ई डी एस, फुल फॉर्म क्या है इसका, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम. तो ये क्या है, इसका पर्पज क्या है. गिवन स्टेटमेंट्स आर a government sponsored social security scheme, a type of tax saving investment option, a platform for electronic trading of receivables by the MSME, that is the micro small and medium enterprises, or a program for skill development in rural areas. So TREDS kis liye use kiya jata hai, it is used as a platform for the electronic trading of receivables by MSME. So the right answer is C, only 3. ye सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, ऑल्सो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज किया जाता था. ओनली राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट. अब जो भी एमएसएमई है अपने रिसीवेबल्स को ट्रेड कर सकते हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म. ट्रेड किसके साथ कर सकते हैं, विद द फाइनेंसियर्स फॉर इमीडिएट फंड्स. अगर उनको इमीडिएट फंड्स नीड्स है तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी फाइनेंसियर्स है उससे ट्रेड कर सकते हैं. Thereby they can improve their working capital position. So it is used by the trading of receivables by the MSMEs. The right answer is C, only 3. Moving on. The next question is, what are the reasons why banks offer waivers for the processing fees on loans during the festival season? So festival season ke time pe banks kya karte hain?
वो वेवर्स प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से हॉलीडे प्रोवाइड करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ फीस ऑन लोन्स. तो इसको रीजंस क्या है, द स्टेटमेंट्स आर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड इंक्रीज द लोन डिस्बर्समेंट, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट द इंडिविजुअल्स, और टू बूस्ट द कस्टमर लॉयलिटी एंड एनहांस द ब्रांड इमेज. तो इसमें से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, अगर वो इस तरीके की पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, ये सही है. उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन और फेस्टिव पीरियड में सपोर्ट करना, ये भी सही है. एंड एनहांसिंग ब्रांड इमेज, ये भी ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती है और ब्रांड इमेज भी सही होती है. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट. द गिवन ऑप्शन डी सेज 1, 2 एंड 3. सो डी इज द राइट ऑप्शन. अब ये जो वेवर्स है प्रोसेसिंग फीस पे, ये फेस्टिवल टाइम पे इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फेस्टिवल्स में लोगों को और भी बहुत ज्यादा खर्चे करने होते हैं, तो अगर वहां पे वो जो लोन की प्रोसेसिंग फीस है उसको वेवर प्रोवाइड कर देंगे तो कस्टमर्स को ये ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, उनके लिए सेटिस्फैक्शन और ज्यादा बढ़ाएगा. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करता है क्योंकि इट प्रोवाइड्स इजियर एक्सेस टू क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग फीस हटा दी गई है. उसके अलावा फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, ये बढ़ जाती है फेस्टिवल्स के टाइम पे. तो जो फेस्टिव पीरियड होता है, इससे क्या होता है, कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ती है एज वेल एज ब्रांड इमेज भी इम्प्रूव होती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की. सो ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस व्हाई बैंक्स ऑफर द वेवर्स ऑन प्रोसेसिंग फीस ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, the next question is about the core saving account. So it is asking what is the core saving account. Given options are A, an account that offers high interest rates for long term savings, B, an account specifically designed for the short term savings goals, an account that requires minimum balance to be maintained, or D, an account with basic features for the day to day banking transactions. So high interest rates, ये तो किसमें होते हैं, ये फिक्स डिपॉजिट में या फिर टर्म अकाउंट के अंदर होते हैं. शॉर्ट टर्म सेविंग गोल्स, ये गलत है. और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कोर सेविंग अकाउंट नहीं है. हमको क्या टर्म मिला है, कोर. कोर का मतलब क्या होगा, डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटी. सो द राइट आंसर इज डी, एन अकाउंट विद बेसिक फीचर्स फॉर द डे टू डे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये कोर सेविंग अकाउंट है. जैसे कि बेसिक ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व्स द विदड्रॉल फैसिलिटी, देन देयर इज डिपॉजिट फैसिलिटी and even the electronic fund transfers. So fund transfers that are done electronically. तो ये basic day-to-day activities होती हैं जिसको हमें किसके अंदर मिलता है, we get this under the core saving account. So the right answer is option D. Next, the question says what is branch profitability. तो ये specifically branch profitability के बारे में पूछ रहे हैं. Options क्या है, first the overall profitability of the bank branches network, second the revenue generated by a specific branch, third the profitability of individual branches within a bank, or fourth the profitability of the bank's core operations. To yahan pe hum kiski baat kar rahe hain, branch profitability ki. So the right answer is third, that is the profitability of individual branches within a bank. Ye sahi hai. Ab yahan pe hum log kya karte hain, we make an assessment of the profitability of individual branches within a bank. Iske andar kya kya aata hai, we evaluate what is the revenue of the branch, what is the overall financial performance. The revenue as well as the overall financial performance of each of the branches is assessed, and then uske baad determine kiya jata hai ki unka contribution kya hai bank profitability mein. So the right answer is the profitability of the individual branches within a bank. C or third is the right option. Moving on. The next question is, which bank issued the first credit card? First credit card कौन से bank ने issue किया था? We are given four banks and we need to select the right one. अब पहले तो first credit card का नाम क्या था? It was the Diners Club Card. और इसको कब issue किया गया था? ये भी याद रखना जरूरी है. It was issued in 1950. So यहाँ पे the right answer options are the Citibank, Morgan Chase, Bank of America or Barclays Bank. The right answer is option A, that is Citibank issued the first credit card, that is the Diners Club card in 1950. इसके बाद ही actually this laid the foundation for the modern credit card industry. इसी card के issue करने के बाद ये हुआ था.
So the right answer is option A, Citibank. Next, the question says what is a strategic business unit. So again, ये strategic business unit से ये एक important topic है. पूछा गया है strategic business unit होता क्या है? Given options are A, a separate legal entity within an organization that operates independently, a department within a company is responsible for marketing and sales activities, a specialized unit within a bank that focuses on the investment banking activities, or a business division within a company that has its own set of products and markets. So yahan pe hum kiski baat kar rahe hain? SBU ki. It is the division, a business division within a company that has its own set of products and market. This is the right answer, that is D. अब एक कंपनी के अंदर एक सेपरेट बिजनेस डिवीजन अगर क्रिएट किया जाता है, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट एज वेल एज स्ट्रैटेजीज, सो इट इज नोन एज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डेज फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? गिवन ऑप्शंस आर ए, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स. B, minimum 15 days, maximum 5 years. C, minimum 30 days, maximum 15 years. Or D, 90 days to no limit. अब इसमें से सही आंसर क्या है? पहले तो actually जो fixed deposit है, इसका time vary करता है. It varies from the one bank to another. अलग अलग bank में different होता है. But सबसे ज्यादा common जो पाया जाता है, it is the minimum 7 days to maximum 10 years. So the right answer is option A. Commonly, ज्यादातर banks यही time limit use करते हैं for the minimum and maximum number of days for fixed deposit. अब जो actual इसका duration होता है, it can vary. It depends on the specific terms and conditions of the bank that is offering the fixed deposit. So, but here the common right answer is A, 7 days to 10 years. Next. And the last question for today's session is, what is the share of public sector banks in the NARCL? So public sector banks ka NARCL mein share kya hai? NARCL kya hota hai? It is the National Asset Reconstruction Company Limited. The National Asset Reconstruction Company Limited. So isko establish kyun kiya gaya tha? It was for the addressing of issues of the बैड लोन्स इन द बैंकिंग सिस्टम, जिससे कि क्या करते थे, जो NARCL होता है वो इन सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक्वायर कर लेता है बैंक से, तो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है. अब इसका पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इसका क्या शेयर है? गिवन ऑप्शंस आर ए 100%, बी 75%, सी 50% और डी 25%. सो अमंग दीज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 75%. It is the share of the PSBs in the NARCL. So B is the right answer. So that's all for today. We have completed the part 3 of our previous year question series. हम लोग इसमें 4 parts discuss करने वाले हैं. 3 हमने complete कर लिए हैं. Part 1 and 2 have already been uploaded on the YouTube channel of My Online Prep. You can see those videos. Also, आप इन questions को download कर सकते हो. आप डाउनलोड कर सकते हो, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, जो कि माय ऑनलाइन प्रेप के ऐप पे अवेलेबल है. आप इजीली वहां पे जाके ये अवेल कर सकते हो. सो डू वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोस. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ माय ऑनलाइन प्रेप एंड लाइक द वीडियोस, सो दैट यू डू नॉट मिस द नोटिफिकेशन व्हेन एवर अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड. नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड थैंक यू.